जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शाय। आज चाय शाय में हम बनाएंगे जलेबियां। मुझे जलेबी पसंद बहुत ज्यादा है, हालांकि मेरे फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो देखेंगे तो वो जरूर बोलेंगे कि मैं तो मीठा खाती थी। जी हाँ, मैं मीठा कम पसंद करती हूँ, बट जलेबी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने बचपन से मेरी मम्मी के हाथ की जलेबी खाई है और पूरा पूरा देख के मैं सीख गई कि जलेबी कैसे बनानी है। तो चलिए आज जलेबी बनाया जाए और रेसिपी को जरूर पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ईजी लगेगा। हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी, तो सबसे पहले उसका बैटर रेडी करते हैं। हम लेंगे मैदा, ये मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेसन, डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कलर, रेड येलो जो चाहो ले सकते हो। डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून विनेगर और दही की हेल्प से हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। दही हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए वरना जब हम जलेबी बनाएंगे तो वो पैकेट से नहीं निकलेगा। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम जलेबी के लिए चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी के लिए हम लेंगे 2 कटोरी चीनी और इसमें करीबन 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, जितने में हमारी चीनी जो है वो अच्छे से डूब जाए। तब तक हमारी चीनी मेल्ट होती तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, चाशनी हमारी रेडी हो गई है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर, ताकि हमारी केसरिया जलेबी तैयार हो जाए, और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, ताकि हमारी चाशनी जो है वो जमी नहीं, तो चाशनी रखी भी जम जाती है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, हमें जलेबी बनाने में इजी रहेगा, ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ये पतला भी नहीं होना चाहिए। तेल को हम गरम चढ़ा देते हैं, इसको अच्छे से फेंट देते हैं। यहाँ मैं ये पाइपिंग बैग यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी खाली पैकेट यूज कर सकते हो। हम लेंगे ये ग्लास और इसको इसमें लगा देते हैं ताकि हमें स्टफिंग में इजी हो जाए। और हमें जितनी पतली जलेबी बनानी है हम एक छोटा सा इसमें से कट कर देंगे।
जलेबी तो पतली ही अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा कट कर देते हैं। यहाँ तेल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तेल हमें चाहिए। हम पहले चेक कर लेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है क्या। अभी ये ठंडा है, थोड़ा वेट करते हैं इसका गर्म होने का। तेल हमारा लो टू मीडियम गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म तेल में हम नहीं डालेंगे। और एक बार फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, इसको मीडियम टू स्लो में ही फ्राई करना है। जलेबी हमारी फ्राई हो गई है, इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे ताकि जो हमारी चीनी का रस है वो जलेबी में अच्छे से घुल जाए, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमारी जलेबियाँ रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। जलेबियाँ रेडी हो गई है, क्रिस्पी भी है। पहले खाए थे, पहले बात करें, पहले बात कर लेते हैं, फिर इसको लेके बैठे खाने के लिए। तो क्या आपको ये जलेबी की रेसिपी टफ लगी है? बहुत इजी रेसिपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसे बनाने के लिए। आप जब चाहो तो बना सकते हो जलेबी घर पे, और खुद भी खाइए, बच्चों को भी खाइए, और मम्मी को भी खिलाइए। मम्मी को खुश कर दीजिए, कल मम्मी ने नहीं बना सकी और हम जलेबी बना रहे हैं। रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। आओ भी बहुत जल्द।